हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और यहाँ पे देखिए, हमने पूरा अच्छे से सफाई कर लिया है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कचरे निकले, इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या निकलते हैं। यहाँ मेरा रिपेयरिंग है, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा रिपेयरिंग का शॉप है यहाँ पे, और मैं हर चीज़ का रिपेयरिंग करता हूँ। बिजली से संबंधित सामानों की रिपेयरिंग यहाँ पे करते हैं हम। और प्लस में इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग करते हैं, जैसे LED TV हो गया, होम थिएटर हो गया। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे वेस्टेज आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, सबको कबाड़ी में बेचेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक के हम सामान बनाते हैं, क्या क्या वेस्टेज होते हैं। देखिए ये पंखा का है, ये ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे देखिए LED TV नहीं है, ये CRT TV का किट है, जो कि आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख जाएगा। और इसमें देखिए, जब हम किस कंडीशन में इसको हम बदल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सामान टूट गया हो, देखिए यहाँ पे जंग लग के जितने सारे कंपोनेंट होते हैं ये सब टूट जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये सब कैसे टूट रहे हैं, ऐसे कीजिएगा ये तुरंत टूट रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप रिपेयर भी कर देते हैं फिर भी ये चलेगा नहीं। और ये वाला GTR है, जो ये भी शॉर्ट हो चुका है। इसका मैंने यहाँ से मैंने हीट सिंक इस तरह का निकाल लिया था, क्योंकि दूसरे TV में लगाया था मैंने। तो ये इस ऐसा कंडीशन अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, CRT TV का पूरा फुल किट बदल देते हैं। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ ये देखिए, इसका भी वही कंडीशन है, ये भी ख़राब हो गया था। और GTR देखिए सभी में लगे हुए हैं, क्योंकि GTR जो होते हैं उस पर अगर मेन IC चला जाता है तो आप GTR लगा के किसी भी LED TV के भी ऑन कर सकते हैं, उसके लिए अलग GTR आता है, और CRT TV के लिए अलग GTR। तो चलिए यहाँ पे किट देखिए, और इससे पहले भी मैंने इसको बेच दिया था, 2-4 किट और बेचे थे हमने। यहाँ पे देखिए 5-6 किट ये हमारे पास पड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार के। ये CRT TV का किट है देखिए। अगर ये इसलिए हम 4-5 इसलिए रख लेते हैं, और ज़्यादा होता है तो बेच देते हैं, क्योंकि हमें कभी काल ये काम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैपेसिटर फिल्टर आते हैं काम, और यहाँ पे 8303 का भी IC जो होता है वो भी हमारे पास काम आ जाता है, और यहाँ पे EST जो होता है ये भी हमारा काम आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सब वेस्टेज होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये फैन का वेस्टेज है, ये कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कितने सारे हैं, और मुझे इसमें से थोड़ा बहुत सामान रखना है, बाकी को सभी को कबाड़ी में बेच देना है। इसको कबाड़ा वाला ले जाएंगे, मैं एक कट्टे में भर के रख दूंगा। देखिए ये वाला जो मैंने बदला था, ये जो है यहाँ पे ये मशीन देख मैंने बदला था, इसका मैंने वीडियो भी बना के डाला था। अगर आपका हीटर ख़राब हो जाता है, हीटिंग नहीं करता है, अगर पाइप जल जाता है तो ये कैसे अलग से आते हैं। और मैक्स पम्मा का ये मशीन है, इसका मैंने बदला था। तो ये वाला उसका वेस्टेज है, ये कि हमारा कोई काम का नहीं है। और ये देखिए मोबाइल का मैंने फोल्डर लगाया था, बहुत सारे फोल्डर है इसमें, और ये फोल्डर बहुत सारे हैं, ये सब फोल्डर लगाया था। और ये वाला जो किट में बता दूँ, ये वाला जो होते हैं LED ड्राइवर में लगे हुए रहते हैं, जैसे AV-ready का 50 वाट आते हैं उसमें ये किट लगे हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसे देख सकते हैं आप। और ये वाला है, और ये गैस का भी थोड़ा बहुत हम लोग काम कर लेते हैं। तो गैस का किसी का मैंने चूल्हा नया लगाया था, उसका ये है वेस्टेज। तो मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या हमारे पास वेस्टेज होते हैं, और इसका भी देख लेते हैं, इस थैली में भी क्या वेस्टेज रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है जला हुआ ड्राइवर है, LED ड्राइवर, ये 50 वाट देखिए फटा हुआ है, पूरा बुरी तरह से जल चुका है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। और ये जो है ये ठीक ही ठाक होगा, क्योंकि ये LED है, और ये ड्राइवर देख सकते हैं पूरी बुरी तरह से फटा हुआ है। ये 50 वाट के ड्राइवर आते हैं, और इसके लिए होता है जैसे LED रिपेयरिंग। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं LED रिपेयर करूँगा, जैसे 1000 वाट नहीं करूँगा, 50 वाट और 100 वाट का LED रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा यही आने वाला है, तो ये वाला मैं रख लूँगा, क्योंकि ये काम का चीज़ है। और सारे यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर होते हैं, ये देखिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर इसमें है, जो कि आप इसे जल जाते हैं ट्रांसफार्मर, वो वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि होम थिएटर का, जैसे 3 तार वाला होते हैं, ये होम थिएटर में लगते हैं। 12012 का है ये, 2 एम्पियर का है, होम थिएटर में से निकला हुआ है। और ये 2 तार वाला आप देख सकते हैं, अब चाहे तो इसे भी आप एम्पलीफायर में भी लगा सकते हैं 2 तार यूज करके।
ये वाला आप देख सकते हैं 12012 है और 12 वोल्ट के भी आते हैं। और ये देखिए होम थिएटर के छोटे वाले स्पीकर जो होते हैं, ये रिपेयर वाला नहीं होते इसलिए हमारा इसका कोई काम नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हैं। और ये वाला एलईडी टीवी में पावर सप्लाई लगते हैं, उसका ये बोर्ड है, पावर सप्लाई बोर्ड है, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है। और ये ट्रांसफार्मर ये 3 एम्पियर का है। ये देखिए एम्पलीफायर में भी इसको आप लगा सकते हैं, ये भी जला हुआ ख़राब था इसलिए ये हमारा वेस्टेज में पड़ा हुआ है। और ये देखिए ये हॉर्न में लगते हैं, ये जो है हॉर्न में डायफ्राम लगते हैं उसमें आप लगा सकते हैं इसे। और ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बुरी तरह से जल चुका था। ये वाला जो होता है आप इसके 20-30 ये मॉडल के नाम से आता है, मदरबोर्ड है जो होम थिएटर में आप लगा सकते हैं इसको और अच्छा ही चलता है। ये बहुत ज़्यादा डेड हो चुका था तो मैंने किसी का बदला था और बहुत सारे कचरे थे, आधा कचरे तो मैंने हटा दिया है इससे पहले। आज विश्वकर्मा जी पूजा है, विश्वकर्मा जी का पूजा है आज और विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है इसलिए मैंने सोचा कि और अच्छे से थोड़ा दुकान को सफाई कर लूँ। और ये भी ट्रांसफार्मर ही होते हैं, ये 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर है। और ये बहुत सारे देखिए स्पीकर होते हैं, बहुत सारे स्पीकर जो कि पूरा डेड हो गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्पीकर है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर है। ये 3 इंच स्पीकर जो होम थिएटर के छोटे वाले बॉक्स आते हैं, जो 4, 5, 6 दिया हुआ रहता है बॉक्स छोटे वाले, उसमें जो होम थिएटर के लगते हैं, ये देखिए ख़राब हो चुका है तो इसका हम नया रिप्लेस कर दिए हुए हैं। इसका वेस्टेज है। और यहाँ पे फैन का भी है और ये फैन का भी है, फैन का ही है। और ये पावर सप्लाई जो एलईडी टीवी का है। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो पावर सप्लाई आपको दिख जाएगा ये सेट टॉप बॉक्स में लगे हुए रहते हैं, सेट टॉप बॉक्स का पावर सप्लाई है। और मैं आपको दिखा दूँ ये सब देखिए, ब्लूटूथ स्पीकर का पैनल है जो कि ख़राब हो चुका है, ये मैंने एक्सचेंज किया है, यही सब कचरे देखिए। और ये टीवी का ट्यूबलाइट जो होता है, सीआरटी टीवी का ट्यूबलाइट, उसका इसको इस बोलते हैं, ये कॉइल भी जल जाते हैं तो कभी कभी पिक्चर जो है सही नहीं आ पाता है, टेढ़ा पिक्चर आता है तो ये उसका है। ये वाला देखिए फ़ैन का है, फ़ैन का भी मैंने बदला था, ये ख़राब स्टैंड हो गया था तो ये मैंने पुराना ही लगा के दिया था पार्टी को। ये सब बहुत सारे ट्रांसफार्मर है और ये मल्टीमीटर में बैटरी के 9 वोल्ट के लगती है वो वाले हैं। और ये सब डिश के है, ये तो इसी प्रकार से देखिए कितने सारे आते हैं हमारे पास। और ये एलईडी टीवी का है। और ये देखिए इमरजेंसी लाइट में जो लगता है, ये 4 वोल्ट 1 एम्पियर की बैटरी है, वो बैटरी सब वेस्टेज रहते हैं हमारे पास। और ये वाला स्प्रे मशीन का स्विच है, ये सब वेस्टेज है। और ये देखिए ये टीवी होता है, सीआरटी टीवी में ये पहले लगता था, ये मैंने बदला था, किसी का एक्सचेंज किया था, ये देखिए बुरी तरह से फट चुका था। ये वाला टीवी का आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसी प्रकार से कचरा है। यहाँ देखिए ये भी एक बैटरी है जो 1.5 एम्पियर का होता है, इमरजेंसी लाइट में लगता है, ये भी आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे ये कचरे हैं, और भी इससे ज़्यादा कचरे थे तो मैंने सफाई किया था। तो मैं सोचा कि आज एक विश्वकर्मा जी के जन्मदिन पर एक वीडियो में जो होता है मैंने सफाई किया, उसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे तो आपके लिए। तो अगर इसी तरह के और सामान आपको सीखना है, जैसे मोबाइल का तो वीडियो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिपेयरिंग का ही वीडियो डालता हूँ मैं। अगर मुझे कमेंट करे तो मैं मोबाइल का भी एक चैनल अलग से बनाऊँगा जिस पर सिर्फ मोबाइल का ही करूँगा, एक चैनल मैं अलग से बनाने वाला हूँ जिसमें अभी तो नहीं बनाऊँगा, कुछ दिनों के बाद मैं अलग से बनाऊँगा जिसमें मैं मोबाइल रिपेयरिंग करना सिखाऊँगा। और इसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक का तो काम चलता ही है, इलेक्ट्रॉनिक हमेशा मैं वीडियो डालता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग करता हूँ, जैसे मोटर हो गया, बिजली से संबंधित सभी सामानों की हम रिपेयरिंग करते हैं यहाँ पे। और साथ में ये मेरा मशीन है, इसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ये मैंने मशीन मंगाया था किसान इंजीनियरिंग से, ये वाला जो मशीन है ये सीलिंग फैन स्टेटर करता है ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे एक नए वीडियो मिलेंगे। मैंने थोड़ा वेस्टेज का वीडियो बनाया था, फिर आप कल से नया वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।